Hey everyone, welcome to Hospital. बात ऐसी है कि नया चैनल है तो विस्तार से सुनाएंगे, बिल्कुल शुरुआत से। कुछ कहानियाँ, कुछ यादें, कुछ जज्बात, कुछ मुलाकातें और उनसे संजोए हुए पुराने पन्ने, पुराने पन्ने। होप यू ऑल हैव लिसन्ड टू इट। एंड हाँ, अगर नहीं सुनी है तो प्लीज जरूर सुनिएगा, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। टुडेज पोएट्री इज फिक्शन बेस्ड, डिस्क्राइबिंग व्हाट्स इन द माइंड ऑफ अ गर्ल हु इज अबाउट टू गेट इनटू अ न्यू लाइफ। द इमोशन शी कैरीज इंक्लूडिंग द फीलिंग ऑफ एक्साइटमेंट, बॉन्डेज, लव, रिस्पेक्ट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज विच अ गर्ल हैज प्री डिसाइडेड हाउ टू मैनेज एवरीथिंग ऑन हर ओन, बट to fulfill all the expectations of him and his family, what she expects from the one with whom she is going to spend her whole life. So the title of the poem is Tumse Baat Kar Loon. Aaj socha tumse baat kar loon, apne pyar ka izhar kar loon, filhal ek tarfa hai, kuch ummeed tumse bhi kar loon. हाँ, जानती नहीं हूँ तुम्हें, जानना चाहती हूँ। हो सके तो जज मत करना औरों की तरह, बस तुमको खुद से मिलवाना चाहती हूँ। पर एक शिकायत है तुमसे, अब तक तुम्हारी इनायत से महरूम हूँ। तुम्हारे कंधे पर सर रखकर तुमको अपने दिल का हाल बताना चाहती हूँ। शायद तुम ही हो वो जिस सुनोगे मेरी कहानियाँ जो अभी भी मेरे अंदर दफन हैं। शायद तुम ही हो जिसके साथ मैं अपना आशियां बसाना चाहती हूँ और उस आशियां को तुम्हारी महक से सजाना चाहती हूँ, जिसकी हर चीज़ मुझे तुम्हारे पास होने का एहसास दिलाए, उस हर पल हर दिन को खास बनाना चाहती हूँ। मुझे नहीं पता तुमसे किस पल किस राह पर मुलाकात होगी, पर एहसास होता है कि वो मुलाकात कुछ खास होगी। तुम्हारे पास आने पर दिल की धड़कन तेज़ होगी और ये कान तुम्हारी आवाज़ सुनने को बेताब। शायद शब्द नहीं होंगे उस वक्त मेरे पास जताने के लिए, तुम निगाहों से पढ़ लेना वो अल्फाज मेरे जो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि हाँ, तुम ही हो वो मिज़बा जिसके प्यार में मैं फना होना चाहती हूँ। सूरत तो सभी देखते हैं, तुम सीरत पर गौर करना। तुम ख्याल करते होगे सबका, मैं तुम्हारा ख्याल रखना चाहती हूँ। तुम खुश रखते होगे सबको, मैं उन्हीं खुशियों में शामिल होना चाहती हूँ और तुम्हारे हर सपने का वो अहम हिस्सा बनना चाहती हूँ। वफा की उम्मीद रखती हूँ तुमसे, बस बेवफाई मत करना। अगर मोहब्बत ना हो मुझसे तो पहले ही ना कर देना। दिल की थोड़ी नाजुक हूँ तो तुम्हें अपनी कमज़ोरी नहीं ताकत बनाना चाहती हूँ। बातें छुपाना नहीं आता तो तुम भी मुझसे बात हर बात कर लेना। अगर इनायत होगी खुदा की मुझ पर तो तुम्हारी रिफाकत हासिल होगी। वक्त का तो पता नहीं, पर नादा समझकर खामोश मत कर देना। मैं फिर से कहूँगी, अभी बस शुरुआत की है, कुछ गलतियाँ हो तो माफ़ करना। एंड इफ़ यू थिंक इट्स गुड देन प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग और मे बी लिसनिंग ऑस्पिट। स्टे कनेक्टेड एंड अगेन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल।